नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ चैप्टर फोर्थ एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर यूज करके आपने इनका क्या निकालना है, रूट निकालना है। ऐसे हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, तो कैसे करते हैं जरा देखिए सोल्यूशन। फर्स्टली आपको सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था एक्स के आर माइनस 3x, जिसने सेकंड चैप्टर अच्छे से कर रखा है उसको समझ में बिल्कुल आएगा कि माइनस 3x को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका जोड़ करें कितना आए माइनस 3x, और मल्टीप्लाई करें तो कितनी आई माइनस 10 की और x² की, यानी कि माइनस 10x². अब 3x को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका जोड़ करें क्या आए माइनस के 3x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए माइनस के 10x². अब एक बात यहाँ पे देखिए, माइनस 10x² इनका प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक प्लस का मिलेगा एक माइनस का मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है एक प्लस का एक माइनस का। तो ऐसे फैक्टर देखिए जिसकी 10 × 5 दो, ठीक है। तो देखो x² जो यहाँ पे है वो बड़े वाला साइन इसी का होगा, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, x को मनाया तो क्या बचा x - 5, जो यहाँ आएगा वही आएगा, यहाँ से जैसे 2 को मन ले लिया तो x - 5 = 0। अब क्या है आपका x - 5 को मना रहा है, तो x - 5 को मन ले लीजिए, तो यहाँ जब x - 5 को मन ले लिया यहाँ क्या बचा x, को मन लेने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका x बचा और यहाँ आपका क्या बच गया +2 = 0। या तो ये 0, इनकी प्रोडक्ट 0 थी, या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0, अगर ये 0 तो दिस इम्प्लाइज x - 5 = 0, तो x की वैल्यू 5 आई, और जब ये x + 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आई -2। दिस इम्प्लाइज x क्या क्या हो सकता है, माइनस का 2 और 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एज इट इज है, देखो ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका जोड़ तो करे क्या है p + q x आए, जोड़ा क्या है x, और प्रोडक्ट करे तो क्या है -6 × 2 - 12 × x² - 12 x². यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट करे तो क्या है -12 x², और एक बात ये है कि नेगेटिव है, इस प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर देखिए जिसकी मल्टीप्लाई जिसमें एक का डिफरेंस है और 12 आता, जैसे 4 और 3 हो गया, तो पहले प्लस का तो प्लस का आएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब 2x को मना रहा है तो ले लीजिए यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2। अब जो यहाँ पे आ रहा है ना वही आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख सकते हो x + 2। अब यहाँ 6 था तो प्लस का 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ x प्लस का या माइनस का, तो माइनस का 3 कॉमन लिया होगा तभी तो ये आया। अब x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, दिस इंप्लाइज x + 2 ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू जब 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर पुट करोगे तो एक तो x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है, जो भी जब x + 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -2, और जब 2x - 3 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 उस साइड गया तो 3/2 आ गया, x की वैल्यू क्या आई 3/2, क्योंकि 3 उस साइड गया तो 2 इसके बाई में आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है -2 और 3/2। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड सेम एज इट इज यूं का यूं है, देखो थर्ड में क्या है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ऐसे इसको तोड़ेंगे जैसे जोड़ करें तो क्या आना चाहिए, क्या होगा 7x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5 × 2। देखो
अंडर रूट दो की और अंडर रूट दो की गुणा करोगे दो आएगा, 5 गुणा 2 10, 10x² कितना आया 10x². अब यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब है तो दोनों नेगेटिव मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव, बट पॉजिटिव है सारा तो पॉजिटिव मिलेंगे। ऐसे दो नंबर देखिए जी, जो जोड़ रहे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, 5 और 2 तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा अंडर रूट 2x, यहाँ कितना बचा 5, देखो जो यहाँ पे बचा वही यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो यहाँ 5√2 है तो यहाँ 5 बच रहा है, यानी कि अंडर रूट 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ अंडर रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया होगा। ठीक है, अब देखो आप ये देखना यहाँ पे, अब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो मैंने अंडर रूट 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ क्या बचा x, यहाँ अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या हुआ देखो, आपका क्या आया अंडर रूट 2x प्लस 5 x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा यही आ रहा है। अब ये 0 होगा या ये 0 या दोनों 0 होंगे, जब ये 0 होगा तो देखो अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 5 साइड गया माइनस का 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, और जब यहाँ पे अंडर रूट 2 साइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारी x की दो वैल्यू आ गई। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। पहले तो आपको बता रखा है, सेकंड चैप्टर में बताया था, आप इसको सिंपल वे में लेके आइए, यानी कि सिंपल पॉलिनोमियल में लेके आइए, सिंपल इक्वेशन में लेके आइए, वहाँ पे सिंपल पॉलिनोमियल में, यहाँ पे इक्वेशन में। तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 8 बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, 8 × 2 कितना हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे तो हमें सीधा पता भी है ये 4x - 1 का स्क्वेयर है, 4x - 1 का स्क्वेयर है, जैसे 4x - 1 का स्क्वेयर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4x - 1 का स्क्वेयर बराबर 0, इसको लिख दूँ 4x - 1 × 4x - 1 तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बट मैं उसको इसी तरीके से करता हूँ, जैसे देखो ऐसे दो टुकड़े में तोड़ते हैं, जिसका जोड़ तो करें माइनस का 8x, मल्टीप्लाई करें तो कितनी आई 16, तो ऐसे सिर्फ 4 और 4 हैं, तो देखो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4x को मना रहा है तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1 बच गया। अब जो बता रखा मैंने आपको यूं का यूं लिख दिया करो बेशक, ये प्लस 1 है ये माइनस आ रहा, तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा माइनस 1 कॉमन लिया है। अब 4x - 1 कॉमन आ रहा है तो 4x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जैसे 4x - 1 का स्क्वेयर था, इसको दो बार लिख देंगे और 0 के बराबर यही आएगा, दिस इंप्लाइज या 0 या 0 या बोथ 0। जब 4x - 1 0 के बराबर होगा, देखो 4x - 1 0 के बराबर होगा या फिर 4x - 1 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1/4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1/4। कई बच्चे सोचते हैं कि वैल्यू सेम है, एक बार लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये सेकंड पावर में है तो इसके मतलब कितने रूट होंगे 2 रूट होंगे। तो आपका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। अब लास्ट पार्ट देखिए इसका, जो आज की हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये वैसे तो ये 10x माइनस 1 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं सीधा लिखूं, देखने से ही पता लग रहा है कि 10x माइनस 1 का स्क्वायर है। इसको फिर दो बार लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा, और इन टू जीरो इक्वल टू जीरो। बट इसको हम उस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ तो करें माइनस का 10x आ जाए, 20x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए 100x स्क्वायर। देखो जोड़ करें तो कितना आए माइनस का 20x, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 100 × 1 100x स्क्वायर। तो देखो इसके जोड़ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि एक प्लस का हो सकता है एक माइनस का। बट यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए आप, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या मिलेंगे, दोनों नेगेटिव मिलेंगे। तो ऐसे दो नंबर जिसका जोड़ करें 20 और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 100 ठीक है। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10x कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 10x, यहाँ क्या बचा माइनस 1। अब मैं बता चुका हूँ यहीं पे लिख देंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 1 कॉमन आया हुआ। अब आपका सेम थिंग है, ठीक है सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1। कॉमन लेने का मतलब है आप 10x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे ना देखो इस चीज़ को, तो क्या बचेगा 10x बचेगा, कितना बचा 10x, यहाँ पे कितना बचा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज हमारा क्या आया, देखो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सेम थिंग बिल्कुल पीछे वाला सेम क्वेश्चन, जब ये जीरो होगा ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, जब ये जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सीधा यूज करता हूँ मैं, x की वैल्यू मेरी आएगी 1/10 ठीक है। x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 1/10, और यहाँ से भी किसकी कितनी आएगी x की वैल्यू 1/10, और ये हमारे क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।